तो आप लोगों ने एक कहावत तो जरूर सुना होगा कि उड़ना जरूरी है लेकिन पांव जमीन पर रहना चाहिए। बट मेरे को एक बात समझ नहीं आया, अगर हम लोग का पांव जमीन पर है तो उसको चलना नहीं बोलेंगे? इस वाले ट्रिक में आपका पांव जमीन पर नहीं रहेगा, आप सच में उड़ेंगे और मस्त उड़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए एक छोटा टेबल या छोटा स्टूल जिस पर आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे घर में जितना था सब ले आया है। और फिर इस स्टूल पे आपको लेटना और थोड़ा उड़ने का एक्टिंग करना है और फटाक से एक फोटो लेना है। और फोटो लेने के बाद आपको ऑटो फोकस को तुरंत ऑफ करना है और फिर आपको तुरंत दूसरा फोटो ले लेना है बिल्कुल ब्लैंक। और इसीलिए भी हम लोग को ऑटो फोकस को ऑफ कर देना है क्योंकि पहला फोटो में सब्जेक्ट पर फोकस रहेगा और दूसरा फोटो में बैकग्राउंड पर फोकस रहेगा तो फिर थोड़ा फोटो खराब हो सकता है। और ब्लैंक फोटो हम लोग के बहुत काम आएगा, आप लोग को पता चलेगा क्यों। और यहाँ पर आपका आधा काम हो गया है, आपको अपना एडिटिंग ऐप खोलना है। तो सबसे पहले आप लोग को ब्लैंक फोटो को ऐड करना है, फिर अपना प्राइमरी फोटो जो है उसको ऐड करना है, सेम साइज का करना है। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको इरेजर टूल से स्टूल को मिटा देना है। तो जब हम लोग स्टूल या टेबल को मिटाते हैं क्योंकि बैकग्राउंड में हम लोग का सेम ब्लैंक फोटो है, बस सामने वाला चीज हटा हुआ है, तो ऊपर वाला फोटो मिटाने के बाद वो स्पेस जो है वो बैकग्राउंड वाला फोटो फिल कर देता है। तो इससे ऐसा लगता है कि वहां पर कुछ था ही नहीं और ऐसा लगता है कि आपका सब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है। बट अभी भी कुछ ना कुछ कमी लग रहा है, कोई गेस? बहुत ही ज्यादा नेचुरल चीज है जो कि है शैडो। तो क्योंकि शैडो नहीं है तो हम लोग का लेविटेशन जो है वो थोड़ा सा फेक लग रहा है। तो शैडो को ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल स्टेप है। आपको गूगल पर जाना है और शैडो का पीएनजी इमेज डाउनलोड कर लेना है। पीएनजी मतलब बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रहेगा, बस उतना सा पार्टी फोटो रहेगा जितना सा आपको दिख रहा है। और फिर पीएनजी फोटो को दूसरे फोटो की तरह ही ऐड करना है और शैडो को ऐड करने के बाद उसको सब्जेक्ट के नीचे आपको प्लेस कर देना है। बस ये ध्यान रहे कि वो सब्जेक्ट के साइज से थोड़ा सा छोटा हो। और अब ये फोटो हो चुका 100% कंप्लीट और काफी अच्छा आउटपुट निकल के आया, एकदम मस्त, बिल्कुल मस्त जादू वाला ट्रिक है। उड़ भी गए, पांव भी जमीन पर है, तो अपने दादाजी को दिखाना और जलाना। और इस वाले ट्रिक के साथ उनके कहावत को बिल्कुल गलत प्रूफ किया जा चुका है 100%। बस एक लास्ट चीज आप लोग को ध्यान में रखना है कि जब भी आप पोज दे रहे हैं तो पोज देते टाइम अपना बॉडी को बिल्कुल फ्लेक्सिबल रखना है। अगर आपका बॉडी स्टिफ रहा तो पोज खराब हो जाएगा और इससे आपका फोटो भी खराब हो जाएगा। तो इतना था इस वाले वीडियो के लिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना उन लोगों से जो 30 डेज फोटोग्राफी चैलेंज लेना चाहते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं अपना फोटो तो आप मेरे को टैग कर सकते हैं इस वाले हैंडल पर। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।